हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बड़ी खबर इस बीच में आपको बता देना चाहती हूँ। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शर्जील इमाम के वसंत कुंज स्थित फ्लैट में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा, लैपटॉप बरामद किया है। इसी फ्लैट से एक सर्जन का डेस्कटॉप भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच ने शर्जील इमाम के बिहार में जहानाबाद वाले घर से मोबाइल फोन बरामद किया है। और पुलिस के सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि शर्जील ने CAA और NRC के विरोध में पैम्फलेट छापे थे, जिसमें लोगों को गुमराह करने के लिए गलत जानकारी लिखी गई थी। उन पैम्फलेट्स को भी बरामद कर लिया गया है। उस प्रिंटिंग दुकान का भी पता लगाया जा चुका है जहां से इन पैम्फलेट्स को छपवाया गया था। तो कुल 3-4 बहुत महत्वपूर्ण चीजें शर्जील इमाम के एक तो फ्लैट से बरामद हुई है, एक उसके पैतृक गांव से बरामद हुई है। वरुण मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, उनका रुख करते हैं। वरुण, डिटेल्स। देखिए बिल्कुल, ये बेहद पुलिस के लिए अहम कामयाबी है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ क्राइम ब्रांच ही नहीं, स्पेशल सेल के अधिकारी भी ज्वाइंट इंटरोगेशन शर्जील से करे हैं। वसंत कुंज के उसके फ्लैट से लैपटॉप और उसका डेस्कटॉप जो है वो बरामद हुआ है, उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। उसमें अहम जानकारियां मिलेगी, किसके संपर्क में था, इंटरनेट पे जो सर्फिंग हुई थी, किस तरह की वेबसाइट थी उनको सर्फ किया गया, और किस तरीके से कौन सी वीडियोस थी, वो क्या वजह जिसकी वजह से जो शर्जील था इतना रेडिकलाइज हो गया। इतना ही नहीं, पैम्फलेट भी एक अहम सबूत पुलिस के लिए है, क्योंकि जो CA और NRC के लिए जानकारी इन पैम्फलेट पर छापी गई थी वो गलत जानकारी थी। कहीं ना कहीं एक खास समुदाय को भड़काने के लिए वो जानकारी थी, तो सबूत तो है ही, साथ में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इन लैपटॉप से डेस्कटॉप से कई अहम जानकारियां मिल सकती है कि आखिरकार इतना जो शर्जील है वो कट्टरपंथी क्यों हो रहा था और किन के संपर्क में था, जो सोशल मीडिया के वो टच में था, अपने लैपटॉप के जरिए सर्चिंग करता था। तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो जांच को बढ़ाने में पुलिस को मदद मिलेगी इस रिकवरी से। जी वरुण जैन, इतनी इम्पोर्टेंट खबर हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।